ये जो वीडियो है ना आज का, दिस इज फॉर एवरीवन जिसने आज तक एक फोटो क्लिक किया या एक वीडियो शूट किया है, स्पेशली फॉर दोस दैट थिंक यार ये DSLR क्या होता है, इतना बड़ा, इतना भारी भरकम। आई एम सो हैप्पी विद माई कैमरा ऑन माई ओन फोन, पॉकेट में लेके कहीं पे भी चले जाओ फिट आ जाता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, देन यू आर लूजिंग आउट ऑन वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ DSLRs एंड मिररलेस कैमरास। ये बिल्कुल सही बात है कि आपका कैमरा फोन जो है बहुत अच्छा काम करता है, इट्स कम अ लॉन्ग वे, लेकिन एक बार अगर आप देखेंगे कि एक DSLR कैमरा या एक मिररलेस कैमरा क्या कर सकता है, तो योर फोन विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ टोटल जोक। ये बिल्कुल सही है। तो अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई प्रॉपर डेडिकेटेड कैमरा लाइक अ DSLR या मल्टी मिररलेस कैमरा नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन आप करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, या आप एक हॉबीस्ट हैं यार, आप एक प्रोफेशनल हैं एंड यू ऑलरेडी डू, ये वीडियो सबके लिए है, बिकॉज ये हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं अबाउट द बिगेस्ट झटका इन द बिग कैमरा मार्केट। एक कैमरा जो इतना अवेटेड है, जो इतना ओवर द टॉप है, इतना फिनोमिनल है इन व्हाट इट डज, कि इसने सबको हिला के रख दिया है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो DSLR और मिररलेस कैमरास की मार्केट है ना, ये मेनली डिवाइडेड है इनटू टू कैटेगरीज। एक वो टाइप के कैमरा होते हैं दैट आर जस्ट वेरी वेरी गुड फॉर स्टिल फोटोग्राफी, मतलब उनके सारे फीचर्स जो हैं स्टिल के लिए, एंड कैन ऑल्सो शूट सम वीडियो। फिर एक वो हैं दैट कैन एक्चुअली डू बोथ क्वाइट वेल, बट नाउ देर इज अ थर्ड कैटेगरी एंड अ कैटेगरी कि बहुत बड़ी बन रही है, कैमराज दैट डू एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब ऑफ शूटिंग वीडियोज वे बेटर देन एनी प्रोफेशनल, इवन वीडियो कैमरा से भी ज़्यादा बेहतर, एंड दैट्स वेयर आर स्टोरी स्टार्ट्स। एक कंपनी जो लिटरली जिसने ग्लोबल ट्रेंड शुरू किया ऑफ मेकिंग DSLR कैमरा शूट गुड क्वालिटी वीडियो इज कैनन, और वो काफ़ी टाइम से थोड़े से ना चुप बैठे थे, लेकिन फिर लीक्स आने शुरू हुए अबाउट कैनन का एक मिररलेस कैमरा जो कि पूरी की पूरी गेम को बदल देगा, एंड दैट कैमरा इज फाइनली हियर। इसका नाम है कैनन EOS R5। और जो भी मेजर र्यूमर्स पिछले एक दो साल से चल रहे थे, हर हेडलाइन जो है बिल्कुल सही आ गई। 12-bit 8K रॉ वीडियो इन अ कैमरा दैट लुक्स जस्ट लाइक एनी अदर DSLR, छोटा सा है, लेट मी रिपीट, 12-bit 8K रॉ। तो आपका क्वेश्चन होगा कि यार क्या बिग डील है ये 8K, तो मैं आपको बताता हूँ हाउ बिग इज 8K। अगर आप सिर्फ एक फ्रेम लेते हैं ना फ्रॉम दैट 8K DCI फिल्म, याद रखे मैंने कहा 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, सिर्फ एक फ्रेम लेते हैं, आपके पास होगी 35.4 मेगापिक्सल की इमेज। ईच फ्रेम इज अ फोटो ऑफ 35 मेगापिक्सल्स ईच फ्रेम। Damn, wow man, you can also get 4K at 120 frames per second, जो कि एक्चुअली बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, कंसिडरिंग जो हम लोग आजकल एडिट कर रहे हैं वो 4K में है, लिटिल बिट मोर रियलिस्टिक। 8K को एडिट करना मजाक नहीं है अभी, बट वो भी होना शुरू हो जाएगा। एंड बाय द वे, यू गेट ऑल दिस वाइल स्टिल गेटिंग ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस। Amazing in-body stabilization भी built in है, that basically means that the camera itself has the stabilization built in, body में stabilization है, and you don't have to rely on lens stabilization। और अगर आप इसको pair कर देते हैं with a stabilized lens, तो फिर तो double बल्ले बल्ले हो जाती है। On the photo side of things, full frame sensor with the Digic X image processor shoots approximately 45 megapixel images। अब आप कहीं सोच रहे होंगे अरे बस 45 मेगापिक्सल, मेरा कैमरा फोन 108 मेगापिक्सल शूट करता है। भाई रॉन्ग है अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है जहाँ पे मेगापिक्सल और सेंसर, फुल फ्रेम और जो लेंसेज हैं, दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू डू सम अमेजिंग ऑप्टिकल मैजिक, समथिंग आर फोन्स कांट ड्रीम अबाउट डूइंग। आज से 10 साल में भी वो नहीं कर पाएंगे। नाउ फ्रॉम द फ्यू रिव्यूज एंड सैम्पल्स पोस्टेड ऑनलाइन, the end results look amazing, and from what the samples are showing, the new eye autofocus works amazing, not just with humans but even with animals as well. Aapne apni pet ki photography karni hai, it'll literally do it for you. You can also capture bursts of 20 frames per second with the electronic shutter, and that's the best part of talking about freshly launched cameras that threaten to change the entire world. क्योंकि ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, किसी के पास नहीं आया है, लेकिन वो बदलेगा प्रीटी सून। यू विल डेफिनेटली सी टू थिंग्स हैपनिंग राइट हियर, टेक मैग्निफाइड में होंगी दोनों चीज़ें। वन, आई विल हैव द कैनन R5 विद मी एंड आई विल डू अ फुल रिव्यू, और सेकंड, मैं एक वीडियो शूट करूंगा, उस रिव्यू का जो वीडियो होगा दैट विल बी एक्चुअली शॉट ऑन द R5 यूजिंग ऑल द फीचर्स। आप देख पाएंगे वॉट अ बिग डिफरेंस इट इज, दैट विल बी लाइक अ सॉर्ट ऑफ रिव्यू ऑल्सो, यू विल सी द रिजल्ट्स विद योर ओन आइज़।
And all you photography enthusiasts and everyone else interested in taking their photography game to the next level, aap suggest kar sakte hain what review scenarios, what features you want me to try out with that camera when I take it through its paces. Leave it all in the comment section below. Koi bhi aapka sawal ho on the Canon R5 or DSLRs or mirrorless, or if you're thinking of actually moving to that level, let's do that. Now, question for you. What's the one thing from the world of professional cameras that you would love to have in your next level of camera phones? Bahut important sawal hai. There are so many things. Better manual control. Can they put in an optical zoom lens that physically zooms out? Much bigger sensor. Maybe a dial just for camera control and setting. Let me know in the comment section below. And of course, if you think this video helped you out in some way to understand ki jo world of photography hai, world of professional photography and cameras, wo kaise hain, kya aa raha hai, then do subscribe. Lots more coming up very, very soon.